कॉल है क्या? हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहिए मस्त स्वस्थ रहिए, मैं भी बहुत मस्त स्वस्थ हूँ। तो आज मेरा बेटा उदास है। क्यों है उदास, बताओ डिटेल में क्या चाहिए? क्योंकि वे सम गड़बड़ थी, वो जो हुआ था ना, वो आपको पार्ट 10 में आपको मिलेगा। क्या? वो तो आपको पार्ट 10 में ही बताऊंगा। ये जब पार्ट 10 में जब बताऊंगा तब आप कमेंट करेंगे, 100 के कमेंट हुए तो मैं कल दीजिए दोस्तों। और मैं दुकान खोल कर बैठी हूँ, एक भी कस्टमर अभी तक आया नहीं है दोस्तों। तीज का भी सामान ला कर रखी हूँ, अभी तक कोई कस्टमर नहीं है। देखती हूँ शाम तक आते हैं कि नहीं आते हैं। तो तीज का ख़रीदारी करना हो दोस्तों आप लोग को, तो मेरे दुकान पर आइए, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। चलो दिखाती हूँ, वीडियो में दिखाती हूँ। तीज का सामान मैं ला के रखी हूँ, छूने वाला देने वाला जो भी होता है वो मैं रखी हूँ। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों मैं ला के रखी हूँ तीज का। ये छूने वाला, दान करने वाला कहते हैं लोग, दान किया जाता है, तो ये रखी हूँ। और चूड़ी कंगन तो पीछे से देख ही रहे हैं दोस्तों, तो चूड़ी कंगन भी रखी हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। चूड़ी कंगन सब कुछ है, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। अभी तो कोई अभी तक तो किसी का आता पता है नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही खोली थी दोस्तों, एक भी कस्टमर नहीं आया है, एक से एक कस्टमर नहीं आया है। पता न क्यों नहीं आ रहा है। जो आगे का दुकान है देख रहे हैं दोस्तों, आगे का जो दुकान है उसका चल रहा है, मेरा चल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके दुकान पर सब चले जा रहे हैं, मेरे दुकान पर कोई आता ही नहीं है। और सामान के भी फर्क होता है, कौन कैसा सामान लाया है नहीं लाया है कि नहीं, तो खरीद के ले जाएंगे तभी ना मालूम चलेगा कि मेरा सामान ख़राब है या उनका अच्छा है। ये तो मालूम चलेगा, खरीद के ले जाएगा तभी ना। हमने तो भाई जो मैं हमको मिला छूने वाला, वहाँ मार्केट में जो दिया वो ले आई मैं। अब देखते हैं दोस्तों शाम तक कोई आता है या नहीं आता है। अब जा रहे हैं दुकान बंद करने दोस्तों, क्योंकि अब कोई आएगा नहीं, दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर में कोई आएगा नहीं, तो आधा घंटा बाद मैं दुकान बंद कर दूँगी। ओके बाय दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।